हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ जो कि कलेक्टिव होगी। ठीक है, जिनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है ये उनसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है डीएफ आज आपको आपके पर्सन बहुत याद आ रहे हो, आपको बबल फेज बहुत याद आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम आपके ड्रीम में आकर आपको इंडिकेशन भी दिया हो, आपसे मिलने के लिए हो सकता है ऑफर दिया हो या कुछ प्लान आपको करते हुए नजर आए हों और आपको लगा हो कि आपके साथ टच करके गए हों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन के द्वारा आपको कुछ भी इंडिकेशन जरूर मिला होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो सकता है, नींद बहुत आ रही होगी। ठीक है, लाइट चक्कर आ सकते हैं, मिसिंग एनर्जी फील कर सकते हो और आपके पर्सन कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुबह मैंने आपको एनर्जी में बताया था कल कि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उनको अभी रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसे चीज़ें कर दी हैं जिससे अब डीएफ का भी मोड अब चेंज हुआ पड़ा है, क्योंकि वो चाहकर भी नहीं मतलब करना चाहती, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि इतना एफर्ट करने के बाद भी जब कदर ही नहीं है तो इतना कुछ होने के बाद क्या मेरे साथ करेगा। हाँ, क्योंकि एक मन टूट जाता है, इतना ट्रिगर होने के बाद इंसान अंदर से टूट जाता है। तो अब डीएफ को भी बैलेंस करने के लिए टाइम चाहिए अपने आप को, जो उनके वुंड्स मिले हैं। ठीक है, तो उन्हें हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है और इतनी जल्दी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी चीजें आपके साथ लाइफ में हुई है, बहुत ट्रिगर आपको मिला है, तो इस वजह से आप भी डीएम को एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा हो रहा है कि आपको अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या होगा। आप भी क्वेश्चन मार्क में हो, क्वेश्चन खुद से कर रही हैं। ठीक है, और आपके डीएम भी इस टाइम यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से इंटरनली, खुद से ही क्वेश्चन, खुद से ही जवाब। ठीक है, तो हो सकता है कई डीएफ डीएम आपकी लाइफ में सोलमेट आपको अट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप उनकी तरफ खुद से भी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों को। ठीक है, तो ये दोनों वे में हो सकता है, डीएफ आपको भी और डीएम आपको भी। ठीक है, तो इस टाइम बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको फील हो रहा होगा, आपको खुद लग रहा होगा कि आप भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको भी उनकी तरफ खिंचावपन फील हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो कार्मिक लोग हैं वो तो आप समझ सकते हैं, मैं इसको मैनिफेस्ट क्या बोलूँ, उसको ब्लैक मैजिक भी बोल सकती हूँ, कुछ भी वो आपके लिए मतलब कि आपकी लाइफ को हेल्प करने के लिए कहो तो आपसे बदला लेने के लिए, या आपके लिए प्लान कोई जाल बुन सकते हैं या कुछ भी ऐसा वो गेम खेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएम अब कार्मिक बिहेवियर उनसे डील करना नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, आपको आपकी ब्रेकअप का, आपकी जो भी डीएफ या कि आपकी लाइफ को हैवी करने के लिए कुछ भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन चीजों से बच के रहना है और डेविल अटैक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डेविल अटैक अलग चीज है और कार ये ब्लैक मैजिक अलग चीज है, तो इन दोनों का हर चीज का समझने की जरूरत होती है। कभी आप ये मत दोनों को रिलेट कर देना, डेविल अटैक जब होते हैं, जब ये आपके यूनियन होने वाले होते हैं तो ये चीजें लोग होती है, ब्लैक मैजिक जब कराया जाता है, जब हमें इन सेपरेशन को करवाना, जो हम लोग 3D वर्ल्ड में करते हैं, और डेवलप होते हैं 5D लेवल सोल के ऊपर होते हैं अटैक, जब हम लोग यूनियन की तरफ हमारे को रोका जाता है। ठीक है, वो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो हो सकता है अभी सोशल मीडिया से आपके पर्सन का बिल्कुल मन बिल्कुल हट चुका है, वो नहीं चाहते कि अब मैं लोगों को एंटरटेनमेंट करूं, क्योंकि उनकी लाइफ ने उनसे जो डीएफ है उन्होंने मूव ऑन किया है, तो अब उनका मन भी नहीं, इंटरनली मन नहीं करता है मैं किसी को एंटरटेनमेंट करूं। जैसे वो पहले लोगों के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते थे कि मुझे हर बंदा मेरे पे अट्रैक्ट हो, तो इस टाइम उन्होंने ये चीजें रोकी हैं, खुद पे कंट्रोल किया है, अब वो चीजें करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद इंसान को समझ आ ही जाती है कि भाई इतना लेसन मिल चुका, अब मुझे किसी को एंटरटेनमेंट करना ही, जो भी है मेरी डीएफ ही है, जैसी भी है वो मेरी ही है, उन्होंने इंटरनली एक्सेप्ट किया है, इसीलिए वो आपको ड्रीम में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इशू फैमिली इशू भी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हो सकता है अभी फिलहाल तो आपके पर्सन साइलेंट मोड पर हैं और आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्रेविंग भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं कि वो सही टाइम का और सही
मौका ढूंढ रहे हैं कि किस टाइम कैसे अपने डीएफ की तरफ बढ़ा जाए या कैसे उनकी तरफ बात अपनी रखी जाए, इसीलिए वो वर्कआउट भी करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने की और पीस में लाने की पूरी कोशिश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो अंदर जगलिंग कर ही रहे हैं, क्योंकि समाज अपना जो सोसाइटी फेयर भी है, कहीं ना कहीं हर चीज से, फैमिली से, हर चीज से सेक्रीफाइस करते हुए, हर चीज से तो कर रहे हैं, मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो डीएम आपका खुद पर से खुद को बैलेंस करने के लिए, आप पीस में आने के लिए एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपने कहीं ना कहीं आपने अपने इनर वर्क भी शुरू किया है। कुछ डीएम ने इनर वर्क शुरू कर दिया है, जो अभी तक शायद डीएफ, कुछ डीएफ होंगी उनके सामने उनके डीएम का एक रिवील फेस हुआ होगा कि हमें जैसे लगता है ना कि हमारे डीएम हमारे लिए कुछ एफर्ट नहीं करते, लेकिन आपके डीएम भी एफर्ट करते हैं, सिर्फ चेंज होता है, हम लोग मेडिटेशन बोल देते हैं, वो अलग साउंड सिस्टम से कुछ अलग क्रिएटिविटी करके अपने आप को हील करते हैं। उनका भी एक पैटर्न है, वो हमें नहीं पता होता डीएफ को, लेकिन वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, कुछ डीएफ के सामने रिवील हुए हैं, तो और मतलब वो खुद से इनर वर्क करते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि वो नहीं करते हैं, तो ये हमारी एक गलतफहमी है, तो इस चीज से बाहर आने की भी जरूरत है। ठीक है, सब करते हैं लेकिन बता के कोई नहीं करता, हम लोग बताते हैं तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन वो हमें, अगर वो हमें बताएंगे तो हम भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फर्क होता है इन चीजों का। ठीक है, समझने की जरूरत है, और इस टाइम आप दोनों को ही बैलेंस और पीस में आने की जरूरत है। ठीक है, हर चीज को एक्सेप्ट करो, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव होके हर काम पॉजिटिव होके करना है, किसी के उलझना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, सबको ब्लेसिंग देनी है और डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहना है और अलॉक करके रखना है। ठीक है, किसी की नेगेटिव चीजों को नहीं सुनना है, नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देनी है, अपने आप को फुली पॉजिटिव वे में वर्कआउट करते रहना और पर्पस की तरफ भी सोचना है, पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ना है। ठीक है, हर काम को हर तरीके से करें, तो आप सबके लिए गाइडेंस है, और चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें और अनलॉक कीजिए, पॉजिटिव रहिए, डीएनए एक्टिवेशन करना जरूरी है, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।